इसी तरह ये फिंगर, ये जो होता है इंडेक्स फिंगर, इसका नाखून बहुत तेज़ी से बढ़ता है बनस्बत ये लिटिल फिंगर के, ये छोटी वाली उंगली, इसका नाखून आस्ता बढ़ता है इसका तेज़। और क्या जल्दी जल्दी काटने के साथ उनका तनासब तब्दील होता रहता है? नहीं 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 नहीं, नहीं। वो तो अपने हिसाब से ही बढ़ेंगे जी, ऐसे काटने से उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मौसम एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से हमारे जज्बात, हमारे जिस्म, हमारी सेहत, हर चीज़ पर असरानंदाज़ होता है, क्या नाखूनों के ऊपर भी मौसम के असरात आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह सर्दियों का मौसम होता है नाखूनों की जो है वो ग्रोथ कम हो जाती है, गर्मियों का जब मौसम होता है नाखूनों की ग्रोथ बढ़ जाती है जी। उसकी वजह ये होती है कि हमारे यहाँ तो इतनी सर्दी नहीं पड़ती, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और जो दूसरे हैं सर्द ममालिक, तो उसमें सर्दी की वजह से जो हमारे एक्रल पार्ट्स होते हैं यानी कि जो बिल्कुल पोरे होते हैं, उधर तक ब्लड सप्लाई जो होती है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती एज़ कम्पेयर टू वार्म वेदर। जब हमारे यहाँ गर्म मौसम होता है तो ज़ाहिर है कि मतलब सर्कुलेशन ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जितनी सर्कुलेशन ज़्यादा होगी उतना ही नाखून तेज़ी से बढ़ेगा, तो नाखून जो होता है सर्दियों में तो उसका बढ़ना थोड़ा सा कम हो जाता है, गर्मियों में जो है नाखून तेज़ी से बढ़ते हैं। अशरफ साहब, नाखूनों के मामले में आमतौर पर ऐसी कौन सी शिकायत या अमराज होते हैं जिनके साथ मरीज़ आपसे रुजू करते हैं? नाखून में तीन तरह के मतलब वो होते हैं शिकायत, हाँ बीमारियाँ जो होती हैं बुनियादी तौर पर। एक तो नाखून का कलर चेंज हो जाता है, पीला हो गया, हरा हो गया, काला हो गया जी। दूसरा जो होता है वो नाखून की शेप चेंज हो जाती है, क्या हुआ जी ये नाखून जो है तरह तरह से मतलब धस गया अंदर, नाखून बढ़ते नहीं हैं, आगे से टूट जाते हैं, नाखून मोटा हो गया जी, नाखून मोटा होने के बाद जो है वो टूट गया, मतलब मुख्तलिफ उनकी साख्त यानी स्ट्रक्चर वाइज जो होता है ना वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं या उनकी अब नॉर्मल साख्त हो जाती है, नाखूनों में लकीरें पड़ जाती हैं। और तीसरी जो होती है वो नाखूनों के साथ जो जिल्द है, नाखून जिस जिल्द से जुड़ा हुआ है उंगली के, उसकी बीमारियाँ होती हैं कि जी सबसे ज़्यादा जो मतलब उसका शिकार हो जाते हैं कि जनाब नाखून पक जाता है जी, नाखून पक गए फिर उसके मेरे ख्याल से ये सबसे आम मामला है जो बहुत ज़्यादातर सामने आ रहा होता है, और इसमें उम्र की कोई कैद नहीं होती। कोई नहीं, कोई उसमें कोई कैद नहीं होती है, नाखून पक जाते हैं, फिर नाखूनों के साथ जो होते हैं पेरियंगल वार्ट्स यानी मसे वगैरह जो हैं वो हो जाते हैं, नाखून का जैसे कोई ट्रामा हो गया ना, आमतौर पर देखा होगा आपने जी वो नाखून पर चोट लग गई, काला हो गया नाखून, तो ये मतलब इस तरह के जो होते हैं नाखून के इस तरह के मामला, इस तरह के। फिर नाखून अंदर धस जाता है बाज़ औक़ात लोगों के, कि जी वो अंदर जो है वो टाइट जूते वगैरह पहनने की, तो इस तरह के जो है हमारे पास केसेस आते हैं नाखून के। अच्छा डॉक्टर साहब, नाखून पकने का जैसे आपने तस्करा किया, तो नाखून इस तरह से पकते हैं तो ऐसी कौन सी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से ये मर्ज़ सामने आता है, और इसके मामले में इलाज का क्या तरीक़ेकार होता है? देखिए ये नाखून उन लोगों के ज़्यादा पकते हैं कि जो पानी में हाथ ज़्यादा डालते हैं, मतलब घरेलू ख़वातीन जो हैं हमारे इस मर्ज़ का शिकार बहुत ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। अब मर्द भी इसका शिकार होते हैं, वो लोग ज़्यादा हो जाते हैं जो कि पानी वगैरह भी पड़ जाते हैं, जो पानी का काम ज़्यादा करते हैं, मतलब जिस तरह डिश वाशर जो अगर आदमी हमारे यहाँ भी कोई आदमी भी अगर बर्तन धो रहा है, कपड़े धो रहा है, या औरतों का ज़ाहिर है डेली का यही काम है कि उनको धोना है, तो वो अपनी जो है ना हाथ की प्रॉपर केयर नहीं करते दरअसल। और जैसे कि मैंने बताया कि जो जिल्द है नाखून के साथ जो वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है नाखून को बचाने में, अगर वो जिल्द जिसको हम बारीक सी झिल्ली होती है उसको क्यूटिकल कहते हैं, अगर ये क्यूटिकल जो है ना आपकी इंटैक्ट है, जुड़ी हुई है नाखून के साथ, तो समझें कि आपका नाखून हेल्दी है। लेकिन क्योंकि रिपीटेडली आप जो है वो कास्टिक में और मुख्तलिफ़ किस्म के डिटर्जेंट में हाथ डाल रहे हैं, साबुन में हाथ डाल कर रहे हैं मतलब अपने काम कर रहे हैं, तो नतीजा ये होता है कि वो जो क्यूटिकल है वो डिस्टर्ब या फट जाती है अपनी जगह से, जख्म हो जाती है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि उस जगह पे जरासीम आस्ता आस्ता जमा होना शुरू हो जाते हैं, और एक जरासीम होता है जिसका नाम होता है स्टेफलोकोकस ऑरिस, ये बड़ा नोटोरियस बड़ा ख़तरनाक किस्म का होता है, रिकरेंट बार बार इन्फेक्शन करता रहता है, तो वो उस जगह जाके जमा हो जाता है, वो उस जगह बैठ जाता है, और बैठने के बाद फिर जो होता है इन्फ्लेमेशन का अमल या पकने का अमल जो है वो शुरू हो जाता है, और फिर वो नाखून जो है वो एक पीप का पॉइंट बन जाता है, और बहुत तकलीफ़ होती है पेशेंट को। जिनको नाखून पकते हैं उनसे पता करें, वो कहेंगे कि हाँ जी जब ये नाखून पकता है तो बहुत ज़्यादा बहुत तकलीफ़ होती है, जब तक कि उसमें से वो पीप निकल ना जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके बारे में एक ख्याल ये भी पाया जाता है कि अमूमन नाखूनों के पीछे की एक जगह होती है जहाँ पर हल्का सा स्किन का एक टैग होता है जी जी, अक्सर बड़े बुज़ुर्ग कहा करते थे इसको निकाल देने की वजह से, या उसको जब तोड़ते हैं बच्चे जिसके अंदर हल्की सी तकलीफ़ भी होती है जी जी, तो उसकी वजह से नाखून पकते हैं, क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल, उसी जिस टैग का नाम आप ले रहे हैं उसको मैं क्यूटिकल कह रहा हूँ,
जिसको शायद उर्दू में जुगाला कहा करते थे मैं उसी को क्यूटिकल कह रहा हूँ, वो जो जिल्द नाखून और जो स्किन जो जुड़ी हुई है ना, उसके बारीक सी जो जुगाला जिसका आपने नाम लिया, तो वो जगह जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यूटिकल उसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं। और बच्चे आम तौर पे अंगूठा चूसने वाले या इस तरह, और बाज़ लोगों की तो आदत होती है, वो शायद मेरा ख्याल ऐसे नाखूनों को खाते रहते हैं साइड से जी ना, तो वो लोग भी इसका ज़्यादा शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, नाखूनों के मामले में क्या फंगल इन्फेक्शन भी होते हैं? 50% जो नाखून की बीमारियाँ होती हैं उसमें फंगल इन्फेक्शन ऑफ द नेल 50% यानी एक बहुत बड़ा तनासुब है कि नाखूनों में जो बीमारियाँ होती हैं वो फंगस की वजह से होती हैं। 50% नाखूनों की बीमारी नाखून नेल प्लेट की बीमारी जो है ना प्रॉपर नाखून की फंगस की वजह से हो जाएगी। डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक से वापस आकर नाखूनों की सेहत के मुताल्लिक मज़ीद बात की जाएगी। कीप वॉचिंग द हेल्थ शो। नाज़रीन ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर नदीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ नाखूनों की सेहत के मुताल्लिक, आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब जैसे कि आप बता रहे थे कि फंगल इन्फेक्शंस 50% जो नाखूनों में बीमारियां पाई जाती हैं उसके ज़िम्मेदार होते हैं, इन फंगल इन्फेक्शंस के साथ देखा ये गया है कि अमूमन या तो ये लौट आते हैं या जाने में इतनी ताखीर होती है कि इंसान इलाज करवाना छोड़ देता है, इसकी क्या वजह है? देखिए ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि नाखून की जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो होती है। अगर एक नाखून में फंगस लग गया से फॉर एग्जांपल उंगली के नाखून में, तो नाखून को कंप्लीट जो है वो बढ़ने में 3 से 6 महीने लगते हैं जी। इसका मतलब ये हुआ कि ये इलाज उसका 6 महीने, जब तक कि वो सिरे से लेकर आखिर तक जो है वो पूरा नाखून नहीं निकल जाता कट कट के साफ हो जाए, तब तक समझेंगे उधर फंगस बैठा हुआ है। आप छोड़ेंगे वो दोबारा से ग्रो कर जाएगा। आप फिर जब इलाज करेंगे 2-3 महीने आपने इलाज किया, आप सही हो गए, आप समझे कि मैं सही हो गया, आपने इलाज छोड़ दिया, तो ये। और दूसरा ये कि पैर का अंगूठा सबसे ज़्यादा जो फंगल इन्फेक्शन ऑफ द नेल होता है वो बिग टो में होता है, जो कि सबसे आहिस्ता वो सबसे आहिस्ता बढ़ता है, 12 से 18 महीने में तो जाकर तब्दील होता है, पूरा नाखून निकलेगा, ख़त्म होगा वहाँ से जहाँ तक फंगस शुरू हुआ था। तो अब ये सवाल ये पैदा होता है कि इतना लंबा इलाज करे कौन, हालांकि बड़ी अच्छी दवाएँ आ चुकी हैं जी, बहुत अच्छी दवाएँ आ चुकी हैं, आप उनका 4 महीने का कोर्स कर लें, 1 महीने के मतलब होता है पल्स थेरेपी कहलाती है वो, तो उसमें वो हो जाता है। लेकिन लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझते नहीं हैं, वो ये कहते हैं कि जी बस जी वो हमने तो उसको दिखाया, फिर उसको दिखाया, फिर उसको दिखाया, हमने उसका भी हकीम का भी इलाज करा लिया, फलाने का करा लिया, लेकिन प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट के पास अगर जाएँ जी, और सबसे बड़ी बात है काउंसलिंग, और आपका जो डर्माटोलॉजिस्ट है आपको काउंसलिंग करे, समझा दे बात। कम से कम मेरे पास मरीज आते हैं तो मैं सबसे पहला काम यह करता हूँ, हर बीमारी को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि ये भी अंदाज़ा हो जाए कि इलाज कितना तवील और ज़हनी तौर पर वो उसके लिए तैयार, ज़हनी तौर पर कि आपको अगर पहले ही पता चल जाए कि हाँ जी मेरा ये इलाज है इतने अरसे का और डॉक्टर साहब ने कहा है, तो फिर आदमी मान जाता है। और अगर हम झूठी तसल्लियाँ दें, नहीं जी बस ये तो ये महीने के अंदर अंदर सही हो जाएगा, मैं ऐसी पक्की दे रहा हूँ, ऐसी दवा दे रहा हूँ, यूँ कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, छू मंत्र उड़न छू, तो ये कुछ भी नहीं होगा, मरीज का आप जो है कॉन्फिडेंस लूज करेंगे, नतीजे के तौर पर यही होगा कि वो बेचारा कभी इधर जाएगा उधर जाएगा उधर जाएगा, उसको होगा नहीं, फिर आखिर कहेगा नहीं जी मैंने बहुत डॉक्टरों को देखा है कभी सही नहीं होता, होगा कैसे जी? आप अच्छा सब तो करें। इसी तरह से एक और मर्ज़ है जैसे नाखूनों में कभी कभी गढ़े पड़ जाते हैं, इसकी क्या वजह होती है, या पिटिंग जिसको कहते हैं, पिटिंग ऑफ द नेल जी। ये पिटिंग ऑफ द नेल जो है आमतौर पर तकरीबन 50-60% लोगों में तो नॉर्मल भी होता है कि 2-4 छोटे छोटे गढ़े पड़ जाते हैं, 2-4-5 पड़ जाएँ कोई ऐसी बात नहीं होती, लेकिन एक ऑटोइम्यून बीमारी होती है जिसे एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं हम अपनी ज़बान में, जैसे बालखोरा कहते हैं, कि जिसमें जो है जगह जगह से सर के ऊपर से गोल गोल से टिकले की सूरत में जो है बाल बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, चिकनी हो जाती है जल्द, कभी सोकर उठे तो इधर से बाल जो है वो निकल गए, कभी उधर से, कभी मूछें झड़ जाती हैं, पलकें भमें, दाढ़ी के बाल झड़ गए, इवन पूरा सर के बाल, पूरे जिस्म के बाल भी उसमें एलोपेशिया में जो है एरिएटा या एलोपेशिया टोटालिस यूनिवर्सलिस उसके मुख्तलिफ ग्रेड्स होते हैं उसमें जो है झड़ जाते हैं, तो पिटिंग का उससे पिटिंग जो है उसके अंदर एक डायग्नोस्टिक साइन होती है। तकरीबन 50-60% एलोपेशिया एरिएटा के जो मरीज़ होते हैं उनके अंदर ये पिटिंग छोटे छोटे गढ़े जो है वो आ जाते हैं। फिर एक बीमारी होती है सोराइसिस नाम की जल्दी, उसमें भी पिटिंग जो है वो देखी गई है। एक और बीमारी लाइकन प्लानिस एक्जिमा की किस्म होती है उसमें भी पिटिंग होती है। तो ये एक 50-60% तो नॉर्मल भी आम आदमी में भी हो सकती है, लेकिन इसके अलावा जो होते हैं कुछ जल्दी बीमारियां ऐसी हैं जिनमें पिटिंग जो है वो देखी जाती है जी।
अशरफ साहब, कभी कभी नाखूनों के ऊपर एक ट्रांसवर्स सी लाइन बन जाती है, उसकी जी क्या जी वजूहत जी जी होती जी है? हाँ, ये कहलाती है ब्यूज़ लाइन। हम अपनी ज़बान में उसको ब्यूज़ लाइन कहते हैं। दरअसल जब आदमी नॉर्मल होता है तो नॉर्मल ग्रोथ हो रही होती है, कोई बीमारी वगैरह नहीं होती। लेकिन अचानक उसको कोई बीमारी का सामना करना पड़ जाए, या जैसे टाइफाइड है, टीबी है, या और प्रोलॉन्ग जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस वक्त जैसे आपकी और दूसरी चीज़ें जो है मुतासर हुई, तो नाखून की ग्रोथ भी आपकी जो उसकी बढ़ने की थी नशोनुमा, वो भी रुक जाती है। फिर आप जी नॉर्मल होना शुरू है, फिर नाखून बढ़ना शुरू है, तो वो बीच में एक जो लाइन आ जाती है ट्रांसवर्स, वो समझे कि वो नाखून के स्टॉप हो गया था उस जगह से बढ़ना उस वक्त, और फिर जी जब बढ़ना शुरू हुआ तो बीच में वो एक लाइन सी आ गई। तो वो भी पता चलता है बाद अवकात मेडिकल लीगल या वैसे, कि अगर आदमी क्या कि जी मैं आज से 3 महीने पहले बीमार हो गया था, और मतलब अगर वो लाइन नज़र आती है तो इसका मतलब यह कि वो सही कह रहा है कि उसको अच्छा, हाँ ये यानी हुआ। कोई कोई भी मतलब ऐसी तवील मुद्दत तक रहने वाली बीमारी या कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी हो तो उसके तो साथ? उसमें भी हो सकता है, लेकिन वो सही हो जाए, जैसे जैसे से वो सही होना शुरू होता है, नाखून भी नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, तो बीच में एक और लकीर आ जब जाती जैसे आपने बताया कि नाखून पूरी तरह ग्रो कर जाते हैं, है। जब पूरी तरह ग्रो कर जाते हैं तो ये लाइन गायब हो गायब हो जाती है। जाती है, सही हो जाता है। अच्छा, डॉक्टर साहब, कभी कभी ऐसा भी होता है कि नाखून सिरों से कमज़ोर कमज़ोर होकर टूटना शुरू हो जाते हैं या बदनुमा लगने लगते हैं, उसकी क्या वजूहत होती हैं? जिसे हम अपनी ज़बान में ऑनिकोशीजिया कहते हैं, जिसमें नाखून जो है लैमेलर डिसकॉर्मेशन ऑफ नेल, यानी कि नाखून जो होते हैं वो किनारों सिरों से जो है वो बारीक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, या स्प्लिटिंग उनकी होना शुरू हो जाती है, लैमेलर स्प्लिटिंग। तो ये उन लोगों में ज़्यादातर होता है कि फिर वही जो वाटर जो सोडा और कास्टिक डिटर्जेंट वगैरह में हाथ ज़्यादा डालते हैं, उनके नाखून जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरे ये जी कि आपने उल्टी सीधी जो है वो नेल पॉलिश, नेल वार्निश, पेडीक्योर, मैनीक्योर, न जाने और कौन कौन से, मतलब आप थेरेपीज वो जो सारी करवाई चीज़ें जाती वो है। कर देते हैं, वो घिस घिस के फिर क्या होता है कि वो आखिर में बहुत ज़्यादा ब्रिटल नेल हो जाते हैं। फिर तीसरा, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपको अंदर एल्ब्यूमिन या प्रोटीन की कमी हो रही है, तो उसकी वजह से भी आपके नाखून जो है वो पतले होना शुरू हो जाते हैं, और आपकी खुराक अच्छी नहीं है उसकी वजह से भी ये नाखून हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, नाखून की एक बड़ी खासियत ये होती है कि नाखून चमकते हुए और साफ़ सुथरे नज़र आ रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये नाखून या इनकी जो साख्त होती है वो बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाती है, इसकी क्या वजूहत होती हैं? सबसे ज़्यादा नाखूनों का दुश्मन जो है ना, फिर वो मैंने बताया कि ये कास्टिक सोडा, और आजकल तो एक नया मैंने देखा है कि आते मरीज़ कि वो जहाँ पर हार्ड वाटर है, पानी जो है वो बोरिंग का या उस तरह का पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसमें खारा पानी, तो वो उससे कपड़े नहीं धुलते, तो ये लोग पाउडर और न जाने एक लिक्विड सा होता है उसको कुछ मिलाकर जो है ना कपड़े धोते हैं। जी ये मैं बता रहा हूँ काफ़ी ऐसी कच्ची आबादियों उनकी बात, तो उन ख़वातीन के मैंने देखे बड़े नाखून जो होते हैं रफ़ हो जाते हैं, क्योंकि ये जी डिटर्जेंट ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना बड़ी ख़तरनाक होती हैं, नाखून के जो ऊपर की सबसे ऊपर की तह होती है वो आस्ता आस्ता जो है उससे उतरना शुरू हो जाती है, और नाखून जो होते हैं बेरौनक और बदनुमा सा नज़र आना शुरू होते हैं। इसके अलावा जल्दी बीमारियाँ भी ऐसी होती हैं कि जिसमें जो है एक कहलाती है 20 नेल सिंड्रोम, उसके अंदर नाखून वो हो जाते हैं ट्रैकोरैक्सिस वगैरह इसमें हो जाता है। लेकिन अव्वल जो है वो यही है, लाइकन प्लेनिस में भी नाखून बाद अवकात एक जल्दी बीमारी होती है, उसमें भी रफ़ हो जाते हैं। तो ये कि सबसे ज़्यादा जो ये हार्ड वाटर और इसके साथ जो इस तरह के जो केमिकल्स वगैरह नाखून में और काम उनसे करते हैं जब इज्तनाब किया जाए तो ये सही हो जाता वो है। सही होने के चांसेस भी होते हैं, हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभी यही नाखून चम्मच जैसे हो जाते हैं या स्पून शेप्ड हो जाते हैं, उसकी क्या वजह होती है और ये अक्सर नज़र आता बहुत है? बहुत बहुत सही सवाल किया आपने। ये दरअसल अगर आप देखें चम्मच से नाखून, ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी करम नवाजी है हमारे ऊपर कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी बीमारियां जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो आपको नाखूनों से ही पता चल जाती है। अगर आप जिस तरह आप किसी महफिल में बैठे हों और कहीं कोई ऐसा नज़र आ जाए तो फ़ौरन पता चल जाता है, ये दरअसल खून की कमी की वजह से होता है। इसे हम अपनी ज़बान में कोएलोनोकिया कहते हैं, कि ये नाखून जो है स्पून की तरह जो जाते हैं या अंदर की तरफ धंस जाते हैं। बच्चों में ये ज़्यादा होता है, और वो बच्चे जो खाना वाना नहीं खाते हैं, उनके मतलब डाइट प्रॉपर नहीं होती, या खाने को तो हर चीज़ मैसर खाते नहीं है, फास्ट फूड पे इस पर चॉकलेट टॉफ़ी वगैरह पे रहते हैं, उनमें चीज़ें हो जाती है, बड़ों में भी हो जाता है, और ज़्यादातर ख़वातीन में जो प्रेगनेंट ख़वातीन होती हैं उनमें खून की जब ये कमी ज़ाहिर होना शुरू होती है प्रेगनेंसी के दौरान, हमल के दौरान, तो फिर ये नाखून जो है अंदर धंसना शुरू हो जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा, डायग्नोस्टिक है कि दूर से देख कर नज़र आ जाता है कि ऐसे कोएलिनोकिया है, तो दिस मीन्स कि शी इज़ सफरिंग फ्राम आयरन डिफिशेंसी एनीमिया।
اچھا، یعنی یہ جسم کی اندر کی بیماری کی نشاندہی ہے جو ناخنوں میں ظاہر ہو رہی ہے، جیسے آپ نے کہا تھا کہ جذبات آنکھوں سے آیا ہو سکتے ہوتے ہیں، تو یہ بیماریاں جو ہیں ناخنوں سے آیا ہوتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کبھی کبھی یہی ناخن بہت زیادہ موٹے اور سخت ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ ناخن جو ہیں یہ ایک تو ایجنگ پروسیس میں آتا ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ناخن ہارڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، اور پھر دوسرے میڈیکل یعنی بیماریاں جسے کہنا چاہیے، سورائسس ایک بیماری جلدی ہوتی ہے، اس میں بھی ناخن موٹا ہو جاتا ہے، ہارڈ ہو جاتا ہے. ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ہم پیکونیکیا کنجنیٹا، اس میں تو بچپن سے ہی یعنی بڑا ایجنگ میں تو اب ناخن ہو گئے، ہارڈ موٹے ہو گئے، چلیں کوئی بات نہیں، عمر کے ساتھ ساتھ ہوا، لیکن اس میں تو پیدائش کے ساتھ ہی ناخن موٹا ہو جاتا ہے. اچھا ہاں، وہ پیدائش کے ساتھ ہی ناخن موٹا ہو جاتا ہے اور وہ پھر ساری زندگی چلتا ہے، آپ اسے جتنی مرتبہ نکلوا دیں وہ ناخن جو ہے وہ پھر ویسے کے ویسے موٹا ہی رہے گا. اس کو کاٹنا بھی ایک جسے کرنا چاہیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور اس کا کوئی سیٹسفیکٹری ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہے. باقی چلیں سورائسس ہے وہ تو ٹھیک ہے، ایجنگ ہے ٹھیک ہے مان لیا، لیکن یہ پیکونیکیا کنجنیٹا یہ بیماری ہو جاتی ہے بچپن سے لے کے بڑے موٹے موٹے ناخن ہو جاتے ہیں، وہ تو صحیح ہونا بھی مشکل ہو جاتا ہے، ان کو کاٹنا بھی ایک بہت بڑی پریشانی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہو گئی وہ بیماریاں جن کا تعلق ساخت سے تھا، اب آتے ہیں ناخنوں کے رنگ کی طرف. کبھی کبھی یہ ناخن پیلے پڑ جاتے ہیں یا جوائنڈس وغیرہ میں بھی جیسے دیکھا گیا ہے، تو کوئی خاص وجوہات ہوتی ہیں پیلے ناخنوں کے پیچھے یا یلو نیل سنڈروم؟ ہاں، اس میں بھی دو تین طرح سے ناخنوں کو ہم جو ہے وہ کرتے ہیں کہ ایک تو فنگس کی وجہ سے بھی ناخن پیلا ہو جاتا ہے، سورائسس میں بھی ناخن پیلا ہو جاتا ہے، اور ایک بہت ریئر بیماری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہم یلو نیل سنڈروم. جی، وہ یلو نیل سنڈروم جو ہوتی ہے اس میں ناخن، اگر آپ ناخن کو غور سے دیکھیں تو ناخن جو ہے آپ کا پنک کلر کا ہے، اور جہاں سے ناخن شروع ہو رہا ہے وہاں پہ ایک ہلال یا ایک آدھا چاند بنا ہوا نظر آ رہا ہے سفید سا، جسے لینولا کہتے ہیں، ہلال کی طرح یا چاند کی طرح دیکھیں آپ غور کریں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے سفید اپنے انگوٹھے کے ناخن. ہاں، تو یہ لینولا جو ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، یعنی اس سے ناخن جو ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے پتہ چلتا ہے. یلو نیل میں کیا ہوتا ہے کہ لینولا ختم ہو جاتا ہے، سارا ناخن جو ہے ایک موٹے سے پیلے سے بندوما سے اس میں ہو جاتا ہے دور سے دیکھنے سے. اب یہ بھی وہی چیز ہے کہ ہمیں دور سے دیکھنے پتہ چل رہا ہے، جیسے یہ ناخن یلو نیل سنڈروم ہوتی ہے آدمی کو پتہ نہیں چلتا. حالانکہ یہ بیماری ایسی ہوتی ہے کہ اس میں لمفیٹکس یعنی جس طرح خون کے شریانوں کا نظام چل ایک رہا ہے، نظام ہے ایک اور نظام ہے جو لمف کا یا مایا نہیں ہوتا، ہاں مایا کو جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہا ہے، تو وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ لمفیٹک ڈرینیج جو ہوتا ہے پراپر نہیں ہوتا، اور نتیجے کے طور پر بڑی خطرناک بیماری جیسے پلورل افیوژن کہتے ہیں، پھیپھڑوں میں پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، ہاں وہ مایا جو ہے وہ نہیں مطلب گردش کر پا رہا اور پلورل افیوژن میں آتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی پھیپھڑوں کی بیماریاں، کرونک برونکائٹس، برونکیکٹیسس وغیرہ بھی پھیپھڑوں کی بیماریوں میں آتی ہیں. اس کے علاوہ اس کا یہ ہے کہ پیروں پہ سوجن آنا شروع ہو جاتی ہے، ایڈیما ہو جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے. تو پہلے سب سے پہلے آپ کے ناخن پیلے ہونا شروع ہوں گے، اور اس کے بعد یہ ساری اس کے بعد یہ جو ہے نا یہ یلو نیل سنڈروم جو ہے، اور کیونکہ ایک سے زیادہ سسٹمز انوالو ہو رہے ہیں اور انوالومنٹ بڑی خطرناک ہے، اس لیے یلو نیل سنڈروم بالکل یہ یلو نیل سنڈروم مطلب یہ کہلاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ناخن سبز بھی ہو جاتے ہیں کیا یا ہرے رنگ کے؟ بالکل، ناخن ہرے بھی ہو جاتے ہیں، ناخن پیلے بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے ناخن جو ہے وہ ہرے ہو جاتے ہیں کہ ایک جراثیم ہوتا ہے سوڈوموناس، وہ سوڈومونیل انفیکشن جو ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہوتا ہے ناخن جو ہے وہ ہرا ہو جائے گا. یا ایک اور جراثیم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کینڈیڈا، جب وہ کینڈیڈا لگ جاتا ہے وہ اسے کیوٹیکل کے تھرو اس میں، تو وہ جو ہے ناخن کو کلر کو ہرا کر دے گا. یہ اس نے ناخن پالش نہیں لگائی ہوئی ہے، یہ آلریڈی جو ہے ناخن جو ہے وہ ہرا ہو جاتا ہے. جی اشرف صاحب، ناخن بھورے رنگ کے یا براؤن بھی ہو جاتے ہیں کیا؟ جی، ناخن براؤن بھی ہو جاتے ہیں. یہ کس قسم کی بیماری ہوتی ہے؟ بیماری بھی ہوتی ہے اور مطلب عام آدمی بھی ہو سکتے ہیں، ان لوگوں میں جو مطلب مختلف ڈائز وغیرہ میں کام کرتے ہیں تو ان کے ناخن جو ہیں وہ جاتے ہیں، مطلب اکوپیشنل جیسے کہنا چاہیے. جی، کسی کا کوئی کام ہی یہی ہے کہ بیچارہ وہ رنگ ریز جس طرح سے ہوتے ہیں کہ جی وہ رنگ کر، وہ ان کے ناخن جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں. پھر دوسرا پوٹاشیم پر میگنیٹ، ہم عام طور پر ڈرمیٹولوجی میں اسکن میں جو ہے نا وہ دیتے ہیں کہ یہ پنکی کا پانی جو ہے اس کو وہ کریں، تو اگر جو زیادہ ڈپ اس میں ہاتھ کرتے ہیں تو ان کے بھی ناخن جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں. نیکوٹین ایک مطلب وہ آپ سب جانتے ہیں، مطلب نیکوٹین کے اندر اس کی وجہ سے جو ہے وہ براؤن نیل ہو جاتے ہیں. جی، تو یہ مطلب ہے کہ کچھ بیماریاں بھی ناخن کو کر دیتی ہیں براؤن، کوئی چوٹ لگے جی پہلے وہ کالا ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ ناخن جو ہے وہ براؤن اس میں ہو جاتا ہے.
तो ये मतलब बीमारियों में भी होता है, ऑक्यूपेशनल में भी जो होता है नाखूनों का कलर जो है ब्राउन हो जाता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर नाखूनों की सेहत के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। कीप वॉचिंग द हेल्थ शो। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर नदीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ।